आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत करेंगे पिवट टेबल, और पिवट टेबल में बात करेंगे ग्रुपिंग, शॉर्टिंग, मूविंग के बारे में। रवि तुम्हारे जी, मैं रिकॉर्डिंग का परमिशन दे दिया, आप रिकॉर्डिंग शुरू कर लें, और साथ मैं अपनी जी कंप्यूटर सर, आपको दे रहा हूँ जहां से आप देखेंगे सारी चीज। सबसे पहले हम एक डेटा पे आते हैं, जो एक डेटा है उस पर सबके सामने डेटा है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले डेट ग्रुप की। अब सामने दिख रहा है डेट जो है आपका डेट वाइज है, मुझे रिपोर्ट चाहिए मंथ वाइज, और अपने डेटा में किसी तरह महीने का कॉलम ऐड नहीं करना चाहता हूं। तो हम क्या करेंगे, इस डेटे के ऊपर आएंगे, होम में आएंगे, होम में से माफ कीजिएगा इंसर्ट में ना, इंसर्ट, टेबल, डेटा फिल, अच्छा हाँ बीच में क्या था कि ये ब्लैंक कॉलम था, इसलिए ब्लैंक कॉलम नहीं होना चाहिए सर, बाकी पिवट लगेगा ही नहीं। अब इसे मान लीजिए हम डेट को रखते हैं, डेट जब रखिएगा तो कुछ इस तरह से ईयरली सर। आपका हो जाता है, बट इस तरह के नहीं चाहिए मुझे, राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप कर दीजिए, ग्रुप हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक और जाता हूं ग्रुप पे, ग्रुप पे करते हैं आपका यहां पे स्टार्ट डेट एंड डेट यहां आ जाता है, बट इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं। मंथ दिया हमारा, मंथ वाइज आ गया, ऐसे राइट क्लिक करके अगर मैं ग्रुप करता हूं और ग्रुप में मंथ के जगह पे मंथ एंड क्वार्टर दोनों देता हूं, तो यहाँ देखिए मंथ और क्वार्टर दोनों आ जाएगा। फिर वापस इसको ग्रुप करते हैं और मैं यहाँ पे मंथ, क्वार्टर, ईयर तीनों देता हूँ, तीनों आ जाता है। और यहां से इसको आप अलग अलग हटा भी सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से ग्रुप करना चाहे उस तरह से ग्रुप आप कर सकते हैं, राइट क्लिक कीजिए एंड ग्रुप। तो ग्रुप में क्या है, ईयर है, मंथ है, क्वार्टर है, डेज है, आवर, मिनट, सेकेंड भी है। अब डेज में ही मैं चाहता हूं 15 दिन का ग्रुप करना, तो मैं इसको यहां पे 15 लिख देता हूं, 15 डेज का ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, यस 15 दिन का ग्रुप आराम से यहां पे कर सकते हैं। तो इस तरह के डेट ग्रुप करते हैं। अब डेट ग्रुप के बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट ग्रुप की। टेक्स्ट ग्रुप मतलब कि जैसे कि हमने अपना नेम लिया, तो नेम में मान लीजिए कि जो यहां है आपका टीना है, उदय है और पूजा है, ये तीनों वेंडर है, तो यहां पे मुझे तीनों का नाम अलग अलग शो नहीं करना है, यहां पे वेंडर शो करना है और तीनों का टोटल मैं यहां चाहता हूं। तो मैं कंट्रोल प्रेस तीनों को सिलेक्ट कर लिया हूं, राइट क्लिक किया और यहां पे ग्रुप कर दिया। अब देखिए यहां पे ग्रुप करते हैं दो चीजें, यहां पे ग्रुप वन और इसके नीचे सारे के सारे नेम कंबाइन हो गए, और यहां पे नेम टू और यहां नेम दिख रहा होगा, यस सर। करने दीजिए, नेम को उठा के हटा दीजिए यहां से, हट गया। अब यहां पे ग्रुप वन आ गया। अब इस ग्रुप वन को हम अपना खुद का नेम दे सकते हैं, मैं जैसे कि मैं यहां पर देता हूं वेंडर, जी सर, यस और एक ही नहीं कई सारे ग्रुप कर सकते हैं आप। मैं दूसरा ग्रुप करना चाहूँ नीरज और मोहन का, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकता हूँ। इस तरह से टेक्स्ट को ग्रुप किया जाता ओके। है। तो टेक्स्ट की ग्रुपिंग समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? ना सर। अब टेक्स्ट की ग्रुपिंग के बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है नंबर की ग्रुपिंग। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने क्वांटिटी को ये दे दिया और हमने यहाँ पे सम कर लिया, मतलब कि ये नंबर से रिटर्न हुआ है इसलिए रिटर्न दिख रहा है, 54 54 क्वांटिटी 13 बार 13 बार रिटर्न हुआ है, मतलब यहाँ पे 10 क्वांटिटी का 117 ऑर्डर है, 11 क्वांटिटी का 52 ऑर्डर है, 12 क्वांटिटी का 26 ऑर्डर है, लेकिन मुझे इस
मुझे एक स्लैब में दिखना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह की स्लैब चाहिए। कर्सर रखा, राइट क्लिक और चला गया ग्रुप पे, ग्रुप यहाँ पे 0 और 90 की जगह पे यहाँ भी 100 कर सकते हैं, मतलब कि अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और ग्रुप बाय 10 दिख रहा है, इसको ओके कीजिए। आ गया सर? ओके सर। यस, इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। हो गया? Yes, sir. तो डेट का ग्रुपिंग सीख गया, नंबर की ग्रुपिंग सीख गया और टाइम और टेक्स्ट की ग्रुपिंग सीख गया। ओके ओके सर। अब इसमें ग्रुपिंग में अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है, ग्रुपिंग अब हो चुका है, मैं अगला जो सब्जेक्ट आता है उस पर बात करते हैं। एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। सॉरी, अब बात करते हैं इसमें शॉर्ट। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां नेम वाइज टोटल निकाला हुआ है, तो इसको अगर हाईएस्ट और लोएस्ट करना है, नंबर अकॉर्डिंग करना है, तो नंबर पर राइट क्लिक कीजिए और यहां पे शॉर्ट कर लीजिए, शॉर्ट ए टू जेड या शॉर्ट जेड टू ए। ऐसे आप यहां पे टेक्स्ट पे करना है तो टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, राइट सर। अगर आपका मान लीजिए कॉलम में आपने प्रोडक्ट रख दिया और प्रोडक्ट के हिसाब से शॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप प्रोडक्ट पर राइट क्लिक कीजिए, उसके हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू के अकॉर्डिंग करना है तो उसके हिसाब से भी आप चेंज कर शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी को मैंने अगर नीचे रख दिया, तो अगर मैंने यहाँ पे अगर नेम के ऊपर शॉर्ट किया, तो जितना नेम है वो सिर्फ वो शॉर्ट होगा, आपका प्रोडक्ट का जो सिक्वेंस है वो सिक्वेंस सेम रहेगा, प्रोडक्ट के सिक्वेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ओके सर, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट पे सॉर्ट करते हैं तो जितने भी सबके प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सॉर्ट होंगे, लेकिन जो नेम का सिक्वेंस है वो नेम का सिक्वेंस जैसा था वैसा ही रहेगा। ओके ओके। अब बात करते हैं फिल्टर। फिल्टर जैसे आपने बहुत फिल्टर बेसिकली तीन तरह के होता है, रो फिल्टर, कॉलम फिल्टर एंड पेज फिल्टर। जैसे मान लीजिए मैंने सिटी को उठा के यहां पे रख दिया और मुझे इसमें से पर्टिकुलर कोई सिटी चाहिए, तो यहां से उस सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पे आप सिटी का नाम सर्च भी कर सकते हैं। अगर ना पता हो तो यहाँ आपके सामने लेवल्स फिल्टर रहता है, लेवल फिल्टर क्लिक करेंगे तो यहाँ कंडीशन होते इक्वल, पर्टिकुलर सिटी को हाईलाइट करना है, डज नॉट इक्वल, विगन विद, डज नॉट विगन विद, एंड विद, डज नॉट एंड विद, कंटेन, ये सारे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और शॉर्टिंग इसमें फिल्टर वगैरह में इस्तेमाल किया था वो सारे फीचर्स यहाँ पे आपको आ रहे हैं, ठीक है। वैल्यू फिल्टर की बात करें तो यहाँ पे इक्वल, डिज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, ऐसी आती है। टॉप 10 पे क्लिक करें तो आपका टॉप 10 भी आता है, कि टॉप 10 सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा लेवल फिल्टर मतलब कि ये आपकी जो लेवल है, जो रो में नेम वगैरह है उस पर वर्क करता है, और आपने वैल्यू फिल्टर लगाया तो जो वैल्यू में है उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करता है। तो फिल्टर रो वाइज होती है तो आपकी कॉलम वाइज भी होता है। तो अपना जो कॉलम है, जैसे मान लीजिए हम प्रोडक्ट को कॉलम में रख देते हैं, तो हम फिल्टर यहाँ पे देखिए आ गया सर,
यहाँ भी लेवल फिल्टर जो इन्हें हमारे जो मुझे इसमें आपको सीडी और डीवीडी को नहीं रखना है, मैं सीडी को हटा दिया और डीवीडी को हटा दिया। हट गया सर, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके सर, आगे बढ़े। यस सर, तो इस तरह से आप इसकी फिल्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेज फिल्टर। पूरी रिपोर्ट ओवरऑल है तो अब यहां पर क्या कर रहा हूं, अपना सेल्स मोड को उठा के फिल्टर में रख दे रहा हूं। अब मैं यहां से मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया ऑनलाइन, अब जो आ रहा है वो सिर्फ ऑनलाइन ही आ रहा है, फिल्टर हो गया। इस पर आप एक से ज्यादा फिल्टर भी लगा सकते हैं, एक से ज्यादा फिल्ट्रेशंस को आप यहां पे दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहां डेट को चाहता हूं। अब यहां पे एक दिक्कत है, अब डेट पे देखिए, अगर मैंने डेट को यहां रख दिया, यहां पे डेट आ रहा है ना सर? यस। मैं चाहता हूं कि नहीं डेट नहीं मंथ है, तो आप क्या कीजिए, एक बार सिटी को हटा देता हूं और डेट को यहां रखता हूं और इसको मैं अनग्रुप करता हूं पहले और फिर वापस इसको ग्रुप करता हूं, कौन सा मंथ वाइज। क्या अब इस डेट को उठा के सेल्स मंथ रख दीजिए और सिटी उठा के यहां रख दीजिए। अब यहां पे देखिए मंथ के हिसाब से फिल्टर आएगा, राइट सर? यस। ऐसे क्वार्टर पे करना है तो क्वार्टर कर सकते, ईयर पे करना है तो ऐसे ईयर का भी कर सकते, ग्रुप करके। फिल्टर समझ में आ गया? अगर सर हमें ये ही फाइल अगर हम किसी और को भेजते हैं तो सेम ऐसे ही जाएगी या फिर इसमें ऑटोमेटिकली? आपने आपने इसको अगर वैल्यू पेस्ट नहीं किया तो सेम ऐसा ही जाएगा, अगर वैल्यू पेस्ट कर दिया तो फिर नॉर्मल डेटा हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। ओके, समझ गया। अब अगला टॉपिक जो आता है मूविंग का। तो मूविंग इसमें प्रोडक्ट मैंने यहां रख दिया, अब मैं चाहता हूं इसमें फिल्टर जो है फिल्टर हटा देता हूं, क्लियर फिल्टर कर देता हूं। मैं चाहता हूं कि जो डीवीडी है वो सबसे टॉप पे आना चाहिए और मैं शॉर्ट करूंगा तो फिर पोजीशन के हिसाब से आएगा ना सर, अल्फाबेटिक आएगा। तो मैं राइट क्लिक किया और यहीं पे कर दिया मैं मूव, शॉर्ट के बाद यहां पे मूव दिखेगा, मूव डीवीडी टू बिगनिंग कर दे सर। Yes. ऐसे यहां से इसको मूव कर सकते हैं आप, मूव, ठीक है? ओके। तो आप सिर्फ याद रखिएगा, सिर्फ इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिएगा तो मूव में कुछ नहीं दिखाएगा आपको, सिर्फ एक सिंगल पे सिलेक्ट करना है, सिंगल पे। ओके, ठीक है। यस, क्लियर है? यस सर, आगे बढ़े सर। यस, तो पिवट टेबल में ये हमारा इसमें आपका ग्रुपिंग जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है और ग्रुप और बाकी चीजों से रिलेटेड हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, लेकिन उस प्रोजेक्ट से पहले आप इसकी सारी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है? फिर कल हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, एक लाइव प्रोजेक्ट जिसमें कुछ हम करेंगे कुछ आप कीजिएगा। ओके सर, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए।